नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शहर पर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, यानी कि आज हम लोग को ये 4.5% के आसपास से डाउन देखने को मिला। तो इसके बारे में फुल डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका सपोर्ट अभी कहाँ पर बन रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, यानी कि सिंपल भाषा में बोलेंगे हम लोग जियो फाइनेंस, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों को आज बिल्कुल डायरेक्ट ही गैप अप गैप डाउन देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर कल क्लोज की बात करें तो कल क्लोज हम लोगों को देखने को मिला था लगभग 360 रुपये के आसपास, सॉरी 300 प्रीवियस क्लोज जो है यहाँ पे, सॉरी हम देख नहीं पाए, 372 रुपये के आसपास प्रीवियस क्लोज था। बट आज जो ओपन हुआ ना, ओपन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 360 पे ये ओपन हुआ। फिर उसके बाद 360 पे ओपन होने के बाद ये क्लोज देते हुए ऊपर नीचे करते हुए 355 पर हम लोगों को क्लोज देता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, फुल डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले ही हैं, चार्ट एनालाइज करने वाले ही हैं हम लोग इस वीडियो में, देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है निफ्टी सेक्टर में, भी कहां पर बन रहा है, क्योंकि दोस्तों जियो निफ्टी फाइनेंस भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, ठीक है ना। तो फुल डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में, बट आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोगों को नॉलेज ज़रा सा भी पसंद आए, अगर आप लोगों को एनालाइज ज़रा भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे हम दिए हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम 1 वीक का देख लें, तो 1 वीक हम लोगों को काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो ये आज जो डाउन हुई, डाउन क्यों हुई, तो सबको रीज़न पता है, ईरान और यानी कि इसराइल की दोनों की लड़ाई के बीच ये डाउन हम लोगों को देखने को मिली। अगर सेकंड की बात करें तो यूएस डॉलर की कीमतें बढ़ गई है, तो इस वजह से हम लोगों को डाउन देखने को मिला ही है। और यहाँ पे हम लोग फास्ट वन पर डाल लेते हैं, तो ये सब हम लोगों को उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को इंपॉर्टेंट है 1 डे और 1 वीक की चार्ट, जो कि हम लोगों को बिल्कुल रेड में दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लें, तो दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल में जो है ना जियो फाइनेंस काफ़ी हाई वेटेज रखता है, तो इस वजह से यह हम लोगों को देखना काफ़ी कंपलसरी हो जाती है। जैसा निफ्टी फाइनेंशियल बिहेवियर करता है, तो वैसा ही फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है ना, वैसा ही बिहेवियर करता होगा। अगर आप आज जाके देखेंगे, अगर आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 2% डाउन है, तो आपको ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज से जितने भी रिलेटेड सेक्टर शेयर होंगे ना, तो आप लोगों को आज गारंटी कन्फर्म डाउन देखने को मिला होगा। और जिस दिन अब देखने को मिलेगा, आपको जरूर है कि 50-70% के आसपास शेयर जो है वो आपको अब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल को, तो 1 डे में हम लोगों को सेम कंडीशन ईरान और इसराइल के बीच की लड़ाई के दौरान हम लोगों को डाउन देखने को मिला। और यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छा खासा डाउन हम लोगों को देखने को मिला, गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे इसको, बट यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अच्छा खासा डाउन 2% के आसपास डाउन हम लोगों को 1 वीक में देखने को मिला। और यहाँ पर जो भी अप हुआ था, तो वो हुआ घट करके लगभग 2.5% के आसपास हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और यहाँ पे निफ्टी 50 में देख लेते हैं कुछ हाई सेक्टर जो है वो उस पर देख लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो 1% से कम डाउन हुआ, सभी 1% से ज्यादा डाउन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50, तो हम लोगों को 240 पॉइंट, लगभग 1.10% हम लोगों को डाउन देखने को मिला। सेंसेक्स 1%, निफ्टी बैंक 1.5% बोल लेते हैं, निफ्टी आईटी भी 1.5% बोल लेते हैं, और स्मॉल कैप भी हम लोग 1.5% ही बोल लेते हैं, जो कि हम लोगों को डाउन देखने को मिला, ठीक है ना। और यहाँ पे चलिए अब हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज पर देखना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ पे अभी सपोर्ट बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाएगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आज लगभग हम लोगों को 4.5% जो हम लोगों को डाउन देखने को मिला, तो यहाँ पर हमसे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये रहेगी कि अगर आप लोगों का एंट्री या एग्जिट या फिर टारगेट अगर आप अभी बने हुए हैं, या फिर आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कहाँ पर परफेक्ट एंट्री हो सकती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 1 डे की चार्ट पे। और 1 डे की चार्ट पर आने के बाद इसको अगर आप लोगों को जूम करके दिखाएं, तो आप लोग ना एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वीडियो हम लोग डाले थे, तो उसमें हम लोग बताए थे कि ब्रेकआउट आने वाली थी, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री दिए थे, ठीक है ना। बट हम लोग एग्जिट नहीं दे पाए, क्योंकि दोस्तों किसी को भी नहीं पता था कि ईरान और इसराइल क्या बोल रहे हैं उसको, युद्ध होने वाली है। बट यहाँ पे हम लोगों को अचानक देखने को मिला युद्ध, जो कि हम लोगों को गैप डाउन देखने को मिला। बट जहाँ पे हम लोगों को एंट्री बनाए थे, बट अभी से भी वहाँ से हम लोग प्रॉफिट में हैं। अगर मेरे जो भी अगर मेरे बोलने पर एंट्री लिए होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि हम लोग जब भी एंट्री देते हैं, तो उसको ना एसएल को हम लोग इसको करते हुए ट्रेल करते हुए देखते हैं। अगर यहाँ पे गया, तो प्राइस हम लोग जैसे कि 1 डे की चार्ट पे है, तो हम लोग 2 आवर की चार्ट पर जाकर के, या फिर 1 आवर की चार्ट पर जाकर के कोई एक छोटा सा डिमांड जोन पर, जैसे कि लेटेस्ट अगर हम लोग डिमांड जोन देखें, तो लेटेस्ट डिमांड जोन हम लोगों का ये है, तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए था, अगर जिन लोगों का स्टॉप लॉस रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम 1 डे की देखें, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें,
तो सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिला है EMA 20। जी हाँ, EMA 20 काफ़ी क्या बोलते हैं, हाई वेटेज होती है पावर के सेक्टर सपोर्ट की तरह। जी हाँ, सपोर्ट यानी कि अगर आप लोग देखेंगे EMA 20, अगर आप लोग जानते होंगे EMA 20 ज़रूर जानते होंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो हमेशा रिस्पेक्ट किया ही जाता है। जब भी आप टच करता है या फिर टच यानी कि अगर ऊपर निकल जाता है तो ये ऊपर ही रहता है, जब ये नीचे आ जाती है तो नीचे यानी कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। जब ऊपर रहती है तो प्राइस नीचे आने नहीं देती है, जब प्राइस इसके नीचे रहती है तो ऊपर जाने नहीं देती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यहाँ पे यानी कि आज तो EMA 20 को तोड़ दिया था बट क्लोज नहीं दे पाई, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एक टाइम यहाँ पे पूरे ब्रेक कर दिया था बट क्लोज नहीं दे पाया, यहाँ से जो भी बायर थे यहाँ से बाइंग किए, उन लोगों को अच्छा खासा मौका मिला तो यहाँ से वो लोग बाई किया। ठीक है ना, और यहाँ से हमको उम्मीद है कि यहाँ से अगर कल इसके ऊपर क्लोज देती है, इस EMA 20 के ऊपर अगर क्लोज देती है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा हम लोगों को रिकवरी देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा करेक्शन हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, और यहाँ पर हम लोग बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी परफेक्ट एंट्री बनेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर कल EMA 20 के नीचे अगर क्लोज नहीं देती है तो आप लोग परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं, बट अगर कल एंट्री इसके नीचे दे देती है तो आप लोग इसको अवॉइड बिल्कुल करें। जी हाँ, आप इसमें एंट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर EMA 20 को तोड़ दिया तो इसके नीचे अभी रोकने के लिए फिलहाल वन डे के लिए कुछ नहीं है, जो कि आप लोगों को वन डे पर आने के लिए कम से कम आपको 320 रुपये का वेट करना पड़ेगा, जो कि इस वाले डिमांड जोन के लगभग 320 और 310 के आसपास में ये है, तो यहाँ पर आप लोगों को एंट्री लेना पड़ेगा। जैसे भी यहाँ पर प्राइस आएगी तो हम लोग तो चैनल पर बता ही देते हैं कि कब कहाँ पर किस शेयर में एंट्री बन रहा है, तो उस डिटेल हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर हम लोग MACD पर भी नज़र डाल देते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा खासा पॉपुलर इंडिकेटर है। अगर वन डे पर देखा तो क्रॉस ओवर कर दिया था, जब ब्रेक यानी कि सॉरी ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से क्रॉस डाउन था, बट हम लोग फिर एंट्री देते बट यहाँ से जो है क्रॉस ओवर देने वाला था, तो क्रॉस ओवर देने के बाद जब ये प्राइस नीचे कंसोलिडेट हो रहा था, बट फिर से जब हम लोगों को जानते ही हैं कि मार्केट का कंडीशन, और मार्केट का कंडीशन देखते हुए आज डाउन किया तो ये क्रॉस डाउन दे दिया हम लोगों को, क्रॉस डाउन देखने को हम लोगों को मिला। अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो ये कल हम लोग कल का वेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर कल हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग और ओपनिंग देखने को मिल जाएगी तो एंट्री लेंगे। अगर इसके नीचे आ गई और क्लोजिंग दे दी, नीचे आने की कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर क्लोजिंग दे दी तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है ना, और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई शेयर और पूछनी है या फिर जानना है तो नीचे कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे एनालाइज करके। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।